माध्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन शिव जी के समक्ष भी कुछ उपाय करें तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु के समक्ष आप विष्णु स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, साथ में माँ लक्ष्मी के समक्ष एक घी का दिया जलाएं और उसमें एक लौंग का जोड़ा यानी दो साबुत लौंग आपको फूल वाले डालने हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होगी। साथ में शिव मंदिर में आपको आपकी यदि कोई विशेष कामना है तो आप एक बेलपत्र ले लें। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिव जी के ऊपर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे लेकर शुद्ध जल से धो लें। उसके बाद बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी है, बीच वाली जो पत्ती है, उस पर आपको शहद लगाना है। उस पत्ती पर आप अच्छे से शहद लगा लें और अपनी विशेष मनोकामना को कहते हुए शिवलिंग पर आप अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। भगवान भोले भंडारी को आप सच्चे मन से याद करें, अपनी मनोकामना उनसे कहें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यह उपाय आप एकादशी के दिन अवश्य करिएगा और एकादशी यदि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी का दिन भी होता है। इससे माँ लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और निवास करती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय माँ लक्ष्मी लिखकर मुझे अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों।